पूजा गुप्ता न्यूज और बिहार की ओर से आप सभी दर्शकों के बीच फिर से हाजिर हूँ एक नए खबर के साथ। जी हाँ, हनुमान मंदिर के स्थापना दिवस पर 24 घंटे का अखंड अष्टयाम के लिए विशाल कलश यात्रा निकाली गई। जी हाँ, अमनौर कॉलेज रोड स्थित पंचमुखी श्री हनुमान मंदिर की स्थापना दिवस पर आयोजित 24 घंटा के अखंड अष्टयाम को लेकर सोमवार को जलभरी हेतु विशाल कलश यात्रा निकाली गई। सैकड़ों महिलाएं लाल पीले परिधान में सुसज्जित होकर सर पर कलश लिए हाथों में ध्वजा गाजे बाजे के साथ मंदिर से चलकर अमनौर बाजार होते हुए माता वैष्णो देवी गुफा मंदिर मंगल बाजार होते हुए पर्यटक स्थल पुरवारी पोखरा पहुंचे। सभी जय श्री राम जय हनुमान, धर्म की जय हो अधर्म की नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो का जय जयकारा कर रहे थे। जहां आचार्य धीरज बाबा ने 550 कलश में जल भरी कराई। इसके पश्चात मंदिर में पूजा अर्चना शुरू हो गई। हरे कृष्णा हरे राम की हरि कीर्तन से पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। पूजा कमेटी के लोगों ने बताया कि अष्टयाम समाप्ति के बाद राम विवाह में प्रसिद्ध व्यास विजेंद्र गिरी के आगमन होने की बात कही। कलश यात्रा में मुख्य रूप से समाज सेवी प्रिय रंजन सिंह युवराज, विजय शर्मा, पत्रकार कुलदीप महासेठ, सरपंच प्रतिनिधि अरविंद सिंह, मुखिया पति विजय कुमार, विद्यार्थी, जदयू प्रखंड अध्यक्ष राजकुमार कुशवाहा, मुख्तार प्रसाद, पूर्व सरपंच चंद्रेश्वर प्रसाद कुशवाहा, राजीव सिंह, पिंडू कुशवाहा, अखिलेश शर्मा, रवि शंकर प्रसाद समेत सैकड़ों महिला पुरुष शामिल थे। अमनौर से आनंद कुमार राय की रिपोर्ट।